नमस्कार, हार्मिल एजुट की तरफ से अमित शुक्ला का आप सभी को अभिवादन। आज मैं अपने इस वीडियो में ड्रिप इरिगेशन सिस्टम में मेंटेनेंस की क्या इम्पोर्टेंस है और मेंटेनेंस में किन किन चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए उसके बारे में बताने वाला हूं। इनफैक्ट मेरे पिछले वीडियोस के बाद कई फार्मर्स का मेरे पास फोन आया कि जो ड्रिप इरिगेशन सिस्टम है इसमें जो कंपोनेंट लगे हुए हैं उसकी करेक्ट सीक्वेंसिंग क्या होनी चाहिए उसके बारे में। तो आप इस फोटोग्राफ में देखिए, इसमें मैंने सभी कंपोनेंट्स को करेक्ट ऑर्डर में लगाया हुआ है। सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो हाइड्रोसाइक्लोन फिल्टर है, फिर सैंड फिल्टर है और उसके बाद में डिस्क या स्क्रीन फिल्टर है। ऑफ कोर्स मैं अपने प्रीवियस वीडियोस में बता चुका हूं कि कौन सा फिल्टर कब लगाया जाना चाहिए, लेकिन अगर एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग तीनों फिल्टर्स की आवश्यकता है तो सीक्वेंस बहुत ही क्लियर है। सबसे पहले हाइड्रोसाइक्लोन फिल्टर, फिर सैंड या मीडिया फिल्टर और सबसे अंत में स्क्रीन या डिस्क फिल्टर। इसके बीच में मीडिया फिल्टर और डिस्क फिल्टर के बीच में हम बेंचरी को लगाते हैं। डिस्क फिल्टर के बाद हमारा शुरू होता है मेन लाइन, सब मेन लाइन और लेटरल लाइन्स। इस पिक्चर में मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूं कि कई बार हम लोग फिल्टर को लगा तो देते हैं लेकिन ये भूल जाते हैं कि फिल्टर को क्लीन करने के लिए सफिशिएंट स्पेस वहां पर है या नहीं है। ये पिक्चर्स हमारे खुद के इंस्टॉलेशन से हैं जहां पर टेक्नीशियंस की गलती की वजह से फिल्टर को ऐसी पोजीशन पर लगा दिया गया कि क्लीन करने के लिए वहां पर जगह ही नहीं थी। तो पोजीशनिंग, द फर्स्ट पार्ट इज सीक्वेंसिंग एंड सेकेंड पार्ट इज पोजीशनिंग ऑफ द कंपोनेंट्स। हमने सीक्वेंस तो सही ले ली बट क्या हमने उसकी पोजीशन सही लगाई है वो भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि आपकी सीक्वेंसिंग है। अब मैं आज का जो मेन पॉइंट है उस पर सीधे आता हूं। जब मैं मेंटेनेंस की बात करता हूं तो पहले तो मैं सिंपल बता देता हूं कि ड्रिप इरिगेशन सिस्टम को भी आप किसी भी एक ऑर्डिनरी मशीन की तरह देखिए। जिस तरह मशीनों में एक पर्टिकुलर टाइम के बाद मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है उसी तरह ड्रिप इरिगेशन सिस्टम को भी एक पर्टिकुलर टाइम के बाद मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है। मेंटेनेंस में क्या क्या चीजें होनी चाहिए देखिए, एक बहुत ही अच्छी बात है कि ड्रिप इरिगेशन सिस्टम में उतनी मेंटेनेंस नहीं चाहिए होती जितने की बाकी की किसी भी मैकेनिकल मशीनों में चाहिए। मेंटेनेंस के नाम पर मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट इज ओनली क्लीनिंग प्रोसेस। सबसे बड़ा अगर मैं मेंटेनेंस की बात करता हूं तो फिल्टर क्लीनिंग सबसे बड़ा पार्ट होता है मेंटेनेंस का। दूसरा है फ्लशिंग ऑफ द एंटायर सिस्टम और तीसरा है एसिड ट्रीटमेंट। जब मैं फिल्टर क्लीनिंग की बात करता हूं तो एक ऑब्वियस सा क्वेश्चन आता है कि फिल्टर हमें कब क्लीन करना चाहिए। इसका भी आंसर बहुत आसान है, फिल्टर को कब क्लीन करना चाहिए ये डिपेंड करता है कि पानी में इंप्योरिटी या सेडिमेंटेशन कितना है। पानी में गंदगी अगर कम है तो हो सकता है कि आपको 15 दिन के बाद क्लीन करना पड़े। पानी में अगर गंदगी ज्यादा आ रही है तो हो सकता है कि आपको डेली भी क्लीन करना पड़े। तो ये आप किसान भाइयों को मेरा एक ही सलाह है कि कुछ समय के बाद ये आप खुद डिसाइड कर लेंगे कि आपका फिल्टर सप्ताह भर के बाद आपको क्लीन करना है या 15 दिन के बाद क्लीन करना है या 3 दिन के बाद क्लीन करना है। अगर आपने प्रेशर गेज लगा रखा है तो प्रेशर गेज में अगर आपने इनलेट और आउटलेट की रीडिंग को पढ़ा और उसके बीच में
अगर आपने देखा कि हाफ बार हाफ केजी का डिफरेंस क्रिएट हो गया, 5 मीटर का डिफरेंस क्रिएट हो गया है, तो आप उसको क्लीनिंग तुरंत कर दीजिए। इस तरह से आप अपने पैरामीटर डिसाइड कर सकते हैं कि 3 दिन के बाद, 4 दिन के बाद या 5 दिन के बाद आपको क्लीन करना है, डिपेंडिंग अपॉन द इम्प्योरिटी जो आपके पानी में आ रही है। दूसरा है फ्लशिंग ऑफ द एंटायर सिस्टम। अब कोई भी इम्प्योरिटी अगर सिस्टम के अंदर आई है किसी भी रीजन से, उसको एक पीरियडिक बेसिस पे हम सप्ताह भर के बाद, हम 15 दिन के बाद, हम 1 महीने के बाद सब मेन लाइंस को ओपन करके उसकी फ्लशिंग कर देते हैं। और अब मैं जिसकी बात करने वाला हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, और वो है एसिड ट्रीटमेंट। पहला पॉइंट ये आता है कि हम एसिड ट्रीटमेंट की बात ही क्यों कर रहे हैं। देखिए, जिस पानी से हम खेतों की सिंचाई कर रहे हैं उसका पीएच 7 या स्लाइटली 7 से ज्यादा होगा। अब 7 या 7 से ज्यादा होगा, इसका मतलब आप समझिए क्या है, पानी में साल्ट है। अगर 7 से नीचे जा रहा है पीएच, दैट मींस वाटर इज एसिडिक, और एसिडिक वाटर जनरली क्रॉप्स के लिए रिकमेंडेड नहीं है। जिस पानी में साल्ट है उसमें इवोपोरेशन, आप चाहे पाइप में पानी हो या रिजर्वायर में पानी हो या कहीं पर भी पानी है, इवोपोरेशन के माध्यम से केवल पानी इवोपोरेट करता है, साल्ट इवोपोरेट नहीं करते हैं। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जिसको कि आपको हमेशा याद रखना चाहिए। अब जो साल्ट है, चाहे वो आपके ड्रिपर में है, चाहे आपके पाइप में है या कहीं पर भी है, इवोपोरेट क्या हुआ, पानी, रह क्या गया, साल्ट। अब ये साल्ट डिपोजिशन है, ये जिसको सफेद पाउडर की फॉर्म में आप अक्सर देखते होंगे, ये हमारे ड्रिपर्स को ब्लॉक करता है। ड्रिपर्स को ब्लॉक करने के बाद हमारी यूनिफॉर्मिटी डिस्टर्ब होती है, हमारा डिस्चार्ज वेरी करता है, एंड नंबर ऑफ टाइम्स डिपर 100% क्लॉक भी होते हुए हमने देखा है। इसका समाधान है एसिड ट्रीटमेंट। अब एसिड ट्रीटमेंट की जो मैकेनिज्म है, ऑनेस्टली ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही सिंपल है। मैं अगले जस्ट 2 या 3 मिनट में आपको पूरा एसिड ट्रीटमेंट बता देता हूं। सबसे पहला जब हम एसिड ट्रीटमेंट का डिसीजन लेते हैं, हमने पहले फिल्टर को क्लीन कर लिया। फिल्टर को क्लीन करने के बाद हम सब मेन लाइंस को फ्लश कर देते हैं, ओपन कर दिया, फ्लश कर दिया। सब मेन लाइंस के बाद में हम लैटर लाइंस को फ्लश करते हैं। यहां पर यह ध्यान दीजिएगा कि जो सीक्वेंस मैं बता रहा हूं उसी सीक्वेंस में ही फ्लशिंग होनी है। सबसे पहले सब मेन लाइन और उसके बाद लैटर लाइंस। ऐसा कभी भी मत करिएगा कि पहले लेटर लाइंस को आप फ्लश कर दें और फिर आप सब मेल लाइन को फ्लश कर दें। इफ दैट बी द केस, सब मेल लाइंस की जितनी भी गंदगी, वो आपकी मेल लाइन में आने की पूरी पूरी संभावना है, राइट? तो जब आपकी सब मेल लाइन फ्लश हो गई, जब आपकी लेटर लाइन फ्लश हो गई, उसके बाद आप पहले लेटर लाइंस को बंद करेंगे, उसके बाद आप सब मेल लाइन को बंद करेंगे। यहां तक समझ में आ गया? इसके बाद पूरे सिस्टम को आप 1.5 kg प्रेशर पर 15 से 20 मिनट चलाइए। इट मींस फ्लशिंग हो गई है, सिस्टम एट ए डिजायर्ड प्रेशर ऑपरेशन में आ चुका है। नाउ द एसिड ट्रीटमेंट विल स्टार्ट। अब यहां पर मैं 2-3 चीजें कुछ टेक्निकल बताता। Entire acid treatment process need to be completed in just 15 to 20 minutes of time. Very important. That means जो भी calculation होगी वो 15 से 20 मिनट में आपकी पूरी करनी होगी। अब यहां पर देखिए, 4 तरह के acids हैं जो हमारे operations में use होते हैं, hydrochloric acid, nitric acid, then sulfuric acid and phosphoric acid.
कौन सा एसिड यूज करना है, कितनी मात्रा में यूज करना है, इसके लिए मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। बट यहां पर मैं इतना बताऊंगा कि जो हमने एसिड ट्रीटमेंट फ्लशिंग करने के बाद उसके एंड प्लग्स को बंद करने के बाद जब मैंने कहा कि अब राइट टाइम आ गया है इसका एसिड ट्रीटमेंट स्टार्ट करने के लिए, तो मैंने कहा कि एंटायर प्रोसेस नीड टू बी कंप्लीटेड इन जस्ट 15-20 मिनट्स ऑफ टाइम, राइट। अब आगे की बात क्या है कि हमें एसिड कितना देना चाहिए। अमूमन जिस हमें जो एसिड ट्रीटमेंट के लिए सोल्यूशन यूज करना है वो 2% होना चाहिए, ठीक है, सॉरी उसका पीएच 2 होना चाहिए। अब 2 पीएच तक पहुंचने के लिए कितना एसिड हमें चाहिए, मैं एक एग्जांपल से आपको इसके बारे में बताता हूं। आप 10 लीटर का पानी लीजिए, उसमें एसिड डालना शुरू करिए जस्ट टू रीच पीएच ऑफ वैल्यू 2। मान लीजिए 12 ml एसिड आपका लगा 2 पीएच पहुंचने के लिए, ठीक है, 10 लीटर में 12 ml, दैट मींस अगर हमारे पास 1000 लीटर का पानी है तो हमें कितना ml चाहिए, 1200 ml या 1.2 लीटर। अब केवल हम यहां पर रुक जाते हैं, हमने क्या कहा कि 1000 लीटर के लिए हमें 1.2 लीटर एसिड मिक्स करना पड़ेगा टू अचीव ए पीएच वैल्यू ऑफ 2, क्लोज। नाउ मान लीजिए कि आपका जो पानी आ रहा है, जो फ्लो है, वो है 20,000 लीटर पर आवर, 20 क्यूबिक मीटर पर आवर का फ्लो आपका आ रहा है। अब जो भी डिजायर्ड पीएच है वो हमें कितने मिनट में पहुंचाना है, 15 मिनट में। 15 मिनट में आपका फ्लो कितना होगा, 5,000 लीटर। छोटी सी क्वेश्चन है, आप लोग खुद कर सकते हैं। 1000 लीटर को 2 पीएच वैल्यू पहुंचाने में हमें चाहिए 1.2 लीटर एसिड, तो 5000 लीटर पानी को 2 पीएच वैल्यू पहुंचाने के लिए हमें एसिड चाहिए 1.2 × 5, दैट मींस 6 लीटर ऑफ एसिड विल बी रिक्वायर्ड टू ब्रिंग डाउन द पीएच वैल्यू टू 2, 5000 लीटर के पानी को। क्लियर, हमारा एक पॉइंट क्लियर हो गया कि हमें 6 लीटर एसिड चाहिए 5000 लीटर पानी में मिक्स करने के लिए, राइट। अब क्वेश्चन ये आता है कि 6 लीटर पानी को हम सक किससे करने वाले, बेंचुरी से। मैं बेंचुरी इसलिए बता रहा हूं क्योंकि बहुत से मैकेनिज्म अवेलेबल है, फर्टिलाइजर टैंक भी यूज कर रहे हैं, फर्टिगेशन ऑटोमेशन में भी हम जा सकते हैं, बट जस्ट फॉर इजीनेस मैं बेंचुरी को लेता हूं, और उस बेंचुरी को लेता हूं जिसका मान लीजिए सक्शन फ्लो है 200 लीटर पर आवर। 200 लीटर पर आवर का मतलब ये हो गया कि एक घंटे में आपका जा रहा है 200 लीटर, आपको कितना मिनट मिलेगा, 15 मिनट। 15 मिनट में आप कितना सक कर पाएंगे, 50 लीटर। क्लियर, कैलकुलेशन बहुत सिंपल है और इसमें कोई बहुत ज्यादा मैथमेटिक्स भी नहीं है कि 200 लीटर वेंचुरी खींच रही है एक घंटे में, तो 15 मिनट में कितना खींचेगी, 200/4, 50 लीटर आ गया। तो 50 लीटर पुट टुगेदर, जिसमें आपका एसिड भी होगा और पानी भी होगा, हमें 15 मिनट में खींचेंगे, और हमें एसिड कितना डालना है, 6 लीटर, दैट मीन्स पानी कितना होगा, 44 लीटर, दैट्स इट, यही कैलकुलेशन है। 44 लीटर पानी, 6 लीटर एसिड के साथ हमने जिसका 20,000 क्यूबिक मीटर का फ्लो आ रहा था उसके साथ अटैच किया, देन वी विल अचीव ए पीएच वैल्यू ऑफ 2, जिससे कि आपका एंटायर इरिगेशन इन 15 मिनट्स आपको करना है, और इस 15 मिनट के बाद आप सिस्टम को बंद कर दीजिए फॉर ए पीरियड ऑफ 24 आवर्स। 24 घंटे आप सिस्टम को बंद रखिए। 24 घंटे जब आप सिस्टम को बंद रखेंगे उसके बाद आप सबसे पहले क्या ओपन करेंगे, सबसे पहले आपको सब मेन लाइन को फ्लश करना है, उसके बाद आपको
लेटरल्स को फ्लश करना है एंड देन लेटरल को क्लोज करना है, फिर सब मेन लाइन को क्लोज करना है एंड नाउ रन द सिस्टम स्मूथली. दिस इज ऑल अबाउट एसिड ट्रीटमेंट. बहुत ही सिंपल मैकेनिज्म है, बहुत ही आवश्यक है. जब तक हम एसिड ट्रीटमेंट के बारे में नहीं जानते हैं, जब तक हम एसिड ट्रीटमेंट के प्रोसीजर्स को फॉलो नहीं करते हैं, बिलीव मी आप ड्रिप इरिगेशन की इंपॉर्टेंस को शायद उतने अच्छे से यूज नहीं कर पाते हैं जितना कि करना चाहिए. मेरे अगले वीडियो में मैं किसी और सब्जेक्ट के साथ आपके समक्ष फिर हाजिर होऊंगा. तब तक के लिए नमस्कार. थैंक यू.